राजस्थान के तमाम युवा साथियों के साथ आज के जो हम जो चर्चा करने वाले हैं वो रीट के पदों की जो वृद्धि हो रही है नहीं हो रही है उन पे नई व्याख्या भर्ती परीक्षा आएगी, कब आएगी, कितने टाइम पे आएगी, कितने उनके पद होने चाहिए उन पे हम चर्चा करेंगे। सेकंड ग्रेड की जो वैकेंसी आनी है उस पे चर्चा करेंगे तथा शिक्षा विभाग में पीटीआई की जो भर्ती आनी है कितने पदों पर आ रही है, कब तक आ जाएगी, किस प्रकार का नोटिफिकेशन जारी होना है, इन पे हम चर्चा करेंगे। इस स्थान की एक बहुप्रतीक्षित भर्ती है। आपको पता है फर्स्ट ग्रेड का जो आंदोलन था हमारा, जो उस आंदोलन के दौरान उस भर्ती की उपज थी, उसके बाद में भी गवर्नमेंट आनाकानी करने लगी कोविड की जैसी परिस्थितियों में। उसके पश्चात हमने जब मैंने दिल्ली का पैदल मार्च किया था उस दौरान ही उसकी विज्ञप्ति जारी हुई थी, डेट्स आई थी, फिर कोविड वापस आया, डेट आगे चली गई। रीट 31,000 पदों की जो भर्ती आई थी बहुप्रतीक्षित भर्ती थी। राजस्थान के तमाम युवा जो लाइब्रेरी बैठा तैयारी कर रहा है, बार बार ये सोच रहा है कि क्या एग्जाम डेट आगे जाएगी, एग्जाम डेट टाइम पे होगा नहीं होगा, एग्जाम कैसे होगा, तो आपको क्लियर है एग्जाम समय पे ही हो रहा है दोस्तों। आज ये आदेश है सरकार का कि 1 सितंबर से कोचिंगें खुल रही है और 26 सितंबर को आपकी रीट का एग्जाम हो रहा है। 2 पारियों में होगा रीट का एग्जाम। पहली पारी में लेवल सेकेंड का एग्जाम होगा और दूसरी पारी में लेवल प्रथम का होगा। और सबसे बड़ी सवाल ये उठ रहा था कि क्या लेवल प्रथम में बीएड वाले शामिल होंगे या नहीं होंगे, तो आपको मैं क्लियर कर देता हूं कि लेवल प्रथम में 100% बीएड वाले शामिल होंगे, एग्जाम देंगे, नियुक्तियां लेंगे, आप लोग निश्चिंत रहे। कई प्रकार मैं आपको बता देता हूँ, रीट के पदों में बढ़ोतरी होगी क्योंकि रीट के समय आज के वर्तमान के समय अगर बात करें तो लगभग 50,000 के समीप पद खाली है। मैं आपको पहले भी बता रहा था, आज भी बता रहा हूँ, 50,000 के लेवल प्रथम और द्वितीय में पद खाली है और सरकार इसमें पदों में बढ़ोतरी करना चाहती है। लगभग 42,000 के लगभग पद इसमें की विज्ञप्ति हो सकती है, अलग अलग सब्जेक्ट्स के, अलग अलग लेवल्स के हिसाब से पदों का जो वर्गीकरण जब भी हमारे सामने आता है आप लोगों के बीच में हम रख दिया जाएगा। आप लोग इस बात को राजस्थान के तमाम ग्रुपों तक पहुंचाएं कि रीट में पदों की बढ़ोतरी होगी। अभी विभाग में लगभग 50,000 के समीप पद खाली है और रीट के संदर्भ में आज तक के इतिहास में 54,000 पदों की भर्ती आई थी और माननीय शिक्षा मंत्री जी यही चाहते हैं कि उस भर्ती से भी बड़ी भर्ती अपने नाम कर सकूं। राजस्थान की सबसे बड़ी भर्ती वासुदेव देवनानी के कार्यकाल या वसुंधरा जी के कार्यकाल में पिछली बार 54,000 पदों की थी, तो बड़ी कोई इसमें कोई आप लोग अगर ये देखना चाहे कि 54,000 से भी बड़ी पदों की भर्ती आ सकती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब वर्तमान में आप लोग कई लोग ये बार बार पूछ रहे थे कि रीट के पद बढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे, सरकार पद तो खाली है लेकिन सरकार बढ़ाएगी नहीं बढ़ाएगी। इसके लिए हम एक ट्रेंड चला रहे हैं, पद बढ़ाने के लिए हम बार बार, कल भी परसों में जब शिक्षा मंत्री से मिला था, कई बार क्या होता है कोई रीट में पदों की बढ़ोतरी होगी। फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के पद मैं आपको बता चुका हूँ, फर्स्ट ग्रेड में लगभग 5,500 पद आ रहे हैं, सेकंड ग्रेड में गवर्नमेंट की मंशा है 8,000 से 10,000 पदों की भर्ती करवाने की, लगभग 12,000 तक विज्ञप्ति आ सकती है और इसमें सरकार काम करना शुरू कर रही है और जल्दी आप लोगों के सामने विज्ञप्ति जारी हो जाएगी। पीटीआई भर्ती के लगभग 18,000 से 2,000 पद आ रहे हैं, पीटीआई भर्ती नई भर्ती आ रही है पीटीआई की 2018, इसमें पीटीआई के संदर्भ में कई युवा साथियों ने हमसे ये कहा था कि सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड के दोनों के संदर्भ में आप मांग रखें, तो संदर्भ में हमारी चर्चा चल रही है। जैसे भी आगामी दिनों में चर्चा रखूंगा तो आप लोगों की बात रखूंगा। देखो